नमस्कार साथियों, ये बहुत दिल को सुकून देने वाला वक्त है कि आपके यहाँ एक पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसे चेंज हो गया कि हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियाँ हैं, साथी राजीव ने जो बताया, और मैं बहुत छोटा सा जिला है, बनारस और गोरखपुर से समान दूरी है 100 किलोमीटर की। नेहरू ने कभी उसको आज़ादी के आंदोलन में भारत का मैनचेस्टर कहा, जैसे आपका भिमंडी है वैसे हमारा मऊ। तो आप समझ सकते हैं कि एक ताने बाने का शहर है, बहुत जिंदादिली है, हिम्मत है, और उस हिम्मत को कैसे हुकूमत तोड़ना चाहती है जिसको ये पता भी नहीं है कि जब बिस्मिल अस्फाक और रौशन सिंह ने काकोरी में अंग्रेजी खजाने को लूटा तो उसी हमारे जिले के पुरखों ने जय बहादुर सिंह और झारखंड राय ने पिपरी डी में भी ट्रेन की डकैती डाली। हम उस जिले से आते और हमारे कुछ पढ़ने वाले नौजवान जो दिल्ली में जामिया में डीयू में जेएनयू में पढ़ते हैं, जब ये शुरुआत हुई तो दो चार नौजवान छुट्टियों पे आए थे। हम लोग शहर में थे, 11 को हम लोगों ने मीटिंग की कि नहीं अभी कुछ इस तरह का नहीं करना है और एक नेशनल कॉल हो रही है तो हम 19 दिसंबर को ही कुछ करेंगे। लेकिन जो अब पीढ़ियों का गैप है, जो लीडरशिप है, मतलब एवं मैं 45 हूँ और हमसे जो सीनियर लीडर हैं वो सब 50+, 58, 62, तो उन नौजवानों में बहुत बेचैनी थी कि ये 19 तक इतना लंबा, ये वो, और फिर सपोर्ट टू जामिया ऐसा करके उन सबों ने एक छोटा स्लोगन लेके शहर के छोटे से इलाके जिसको लाल चौक कहते हैं उसमें इकट्ठा हुए। कोई ऐसी बात नहीं थी, उनको कुछ हम जैसे नौजवानों ने, शहर के गार्जियनों ने समझाया, वो वापस चले गए। लेकिन जैसा राजीव कह रहे थे कि किस तरीके से स्टेट इसको वायलेंस करने के लिए और ऐसी जगहों को कि अगर मुजफ्फरनगर में कुछ होता है, अगर अलीगढ़ में कुछ होता है, अगर जामिया में कुछ होता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, अगर मऊ में कुछ होगा तो इसका हमारे लिए पॉलिटिकल क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने उन बच्चों को प्रोब किया कि आप शहर के बीचों बीच में क्या कर रहे हैं, तो उनको मोबिलाइज करके 3 बजे के बाद पुलिस ले गई स्टेट हाईवे पर और अंधेरा होने तक पुलिस ने इंतज़ार किया। अब नौजवानों की अपनी सीमा है समझने की, जोश की, जज्बात की, और जैसे ही दिसंबर का महीना जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ पुलिस टियर गैस छोड़ने लगी, कोई अलार्म नहीं, कुछ नहीं। हम सब लौट चुके थे, मैं शहर से थोड़ा दूर रहता हूँ गाँव में, हमें लगा कि 3 बजे के बाद सब बच्चे डिस्पर्स हो गए थे, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन 6 बजे तक ये खबरें आने लगी कि सच में ये जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है कि एक नया चौरी चौरा हो रहा था। हमारा एक उस इलाके का थाना है जिसका नाम दक्षिण टोला है, वो लोगों ने उसको आपके हवाले कर दिया। और उसके बाद जो पुलिसिया दमन हुआ है, हमारे 3 बेटे 14 साल से कम उम्र के अभी भी जेलों में हैं, 27 लोग अभी भी जेलों में हैं, जिनके ऊपर एक टाइम में 3-3 जगह FIR हुई है और जितनी धाराएं हो सकती हैं 307 से लेकर 7 लाख क्रिमिनल अमेंडमेंट तक की धाराएं लगाई गई हैं। क्या कर रहा है, मतलब पूरा एक जो शासन प्रशासन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से कि 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो भी मुस्लिम नौजवान पासपोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अप्लाई किए थे उन सब का नाम उठा के उन्होंने FIR की लिस्ट में डाल दिया। एवं किस तरह के बच्चे हैं कि जो गल्फ में रियाद में रहते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम डाल दिया, ठीक है उन्होंने FIR से हटा लिया, तो यूनियन बैंक में मैनेजर है,
तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे पुलिस दमन कर रही है, सरकार दमन कर रही है। और सरकारें, कोई भी सरकारें जब बनती हैं तो वो जनता की ताकत से बनती है। अब उनको तो लग रहा है, जैसा हमारे साथियों ने जिक्र किया, मतलब योगी जी महाराज का और कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। सच में हमारी जो हिंदू परंपरा है, जो हमारे संत महात्मा हुए हैं, उनके तो बारे में ये हम लोग तो पढ़ते लिखते कबीर और तुलसी को समझते आए कि संत जो है वो बहुत मानवीय होते हैं, बहुत हृदयवान होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। और जो वो गोरखनाथ जिस मठ से वो आते हैं, जो गोरखनाथ की परंपरा है, वो तो बहुत ही, मतलब आज उनकी परंपरा को लेके एक पच्चर जैसी विधि जो है वो चाइना ने अपने पास निकाली। वो तंत्र विज्ञान के साधक थे मथेरनाथ और गोरखनाथ। वहाँ बैठा हुआ आदमी बुद्धि से इतना विकलांग होगा, ये बात आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये बात जो वर्षों से हम आप जैसे लोग समझते हैं कि अब हमारे संत और महात्मा हिमालय की गुफाओं में नहीं साधना के लिए, तपस्या के लिए जाना चाहते हैं, वो संसद और विधानसभाओं में जाना चाहते हैं, तो वो जगह तो उनको भी नहीं रहेगी। अब इसमें ये जरूर है कि हम लोग जिस पीढ़ी से आए, हमें बहुत धुंधली यादें हैं 74 की, 79 की, जब हम लोग छोटे छोटे थे, नारे लगाते थे कि कच्ची पकौड़ी तेल में, इंदिरा गांधी जेल में, सोशलिस्ट फैमिली थी, हमारे मामू सेलुलर जेल में थे। तो वो हम लोगों की तो मतलब सांसों में आप समझिए आज़ादी बसी है और दिलों में इंकलाब है। तो हम कहाँ इन ख्वाबों को छोड़ने वाले हैं, ऐसे छोटे मोटे दमन से, और हम नहीं पीछे हटने वाले हैं। बस हम आप सबके हौसले का एहतराम करते हैं कि दुनिया और खास तौर से हिंदुस्तान मुंबई को देखता है, मुंबई को जानता है, मुंबई के लोगों की जिंदा दिली को सलाम करता है। और अगर मुंबई आज खड़ा है कि हम इस मुल्क में, और हम एक हिंदू के रूप में ये कहना चाहते हैं कि अगर 47 में इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना और धर्म के आधार पर बनने वाले देश को ठुकरा दिया था, तो आज हमारे जैसे हिंदू की ये जरूरत है कि ऐसे वादों को और ऐसे नारों को हम ठुकरा दें और उनके साथ खड़े हों। यही मुंबई का भी पैगाम होगा, यही हिंदुस्तान का भी पैगाम होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस बात के साथ कि सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर, आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। इंकलाब जिंदाबाद।